जब मैं रेडी लगाता था, जो लोग मुझे जाती तौर पे जानते हैं, मैं समोसों की रेडी लगाता था, इस तरीके से चाट बना करके देता था लोगों को। ये जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। समोसा चना चाट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। जिस तरीके से आज मैं समोसा चना चाट आपको बनाना बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप कहेंगे कि मैंने आपको ऑथेंटिक रेसिपी दी है, टेस्टफुल होगी, ये धूम मचा देगी इंशाल्लाह। आपकी फैमिली, घर वाले रमजान शरीफ में वाह वाह कर उठेंगे, वो कहेंगे वाकई आपने कोई चीज बनाई है। अगर आप उनसे दाद वसूल करना चाहते हैं या चाहती हैं तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा विदाउट स्किप के, एंड तक देखिएगा तवज्जो से मेरे भाइयों। सबसे पहले हमने ये चने लिए थे एक पाव और हमने इसको रात भर के लिए भिगो दिया, गल समझ आ रही है। और फिर इसको हमने सुबह उठ के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसके अंदर एक गिलास पानी का पहले से मौजूद है, इसमें शामिल करते हैं। और ये एक कप कॉफी वाला भर के हम और शामिल करने लगे हैं। हमने इनको कुकर में लगाना है, 5 से 6 मिनट लगेंगे, ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगे। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक का, शामिल कर दें, ऊपर से कवर लगा दें। चने तैयार करने ना हमने सबसे पहले इस तरीके से, इस तरीके से इसको कवर लगा दें, इसको ऊपर से वेट दे दें, इसको साइड पे कर दें, ठीक हो गया। इस चूल्हे पे चढ़ा दें, इसको हमने बॉयल करना है, ठीक हो गया। 95% इस तरह की एक पैन या देगची ले लें। ये आलू है हमारे पास 3 पाव, 750 ग्राम कर दें। इसके अंदर हम पानी डालेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम 2 टीस्पून नमक के डालेंगे, ये 1 और ये 2, ऊपर से कवर लगा देंगे, इनको भी हम बॉईल करेंगे, ठीक हो गया। साथ ही हम इसके साथ का एक पैन ले लेंगे। अब ये मैं आपको चटनी तैयार करने का तरीका बता दूं, फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये हमारे पास इमली थी, ये थोड़ी सी इमली थी, 50 ग्राम से भी कम थी, इसको हमने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया। अब इसका पल्प हमें चाहिए, जो जो इसकी गुठली है उसको हम रिमूव करने लगे हैं। ये इस तरीके से ये पल्प ले लिया, इसमें शामिल कर देंगे, 1 कप बनता है ये, ठीक हो गया। और साथ ही हमारे पास 50 ग्राम गुड़ है, ये शामिल कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, फिर आपसे मिलते हैं। ये रहे जी, फ्लेम को बंद कर देंगे, गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। इस तरीके साथ का एक जग ले लेंगे, ये जो हमने गुड़ मेल्ट किया था इमली के पल्प में, ये इसमें शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये वो चीजें बता रहा हूँ कि आप कहेंगे बाबा जी आपने कोई चीज बताई है। 4 से 5 सब्ज मिर्चें जो कड़वी नहीं होती शामिल कर दें, ये थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दें, ज्यादा डालेंगे कड़वी हो जाएगी। धनिया 2 टेबल स्पून, जितना थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, गल समझ आ रही है, शामिल कर दें। चाट मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, गर्म मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, टमाटो केचप 4 टेबल स्पून शामिल कर दें। आप कहेंगे ये समोसा चाट जो मैंने आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ यार, इसमें ये इतनी टेस्टफुल चटनी कैसे बन गई, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है अभी से ही, चटनी बनते खुशबुआं फैल गई हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको ग्रीन चटनी का तरीका बताता हूँ जो कि हमने शामिल करनी है दही के साथ, में रायता तैयार करेंगे उसका तरीका बताता हूँ। ये जग साइड पे कर दें, मेरे पास 2 अदद जग हैं, एक को साइड पे कर दें, दूसरा उठा लें इस तरीके से। इन 2 जगों के अंदर ये 3 से 4 जवे लहसुन के शामिल कर दें, पुदीना शामिल कर दें, धनिया शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, सब्ज मिर्चें देना उठा के, 3 अदद सब्ज मिर्चें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, हल्का सा पानी शामिल कर दें। इसकी हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे जो हम इसका रायता बनाएंगे उसके अंदर शामिल करेंगे समोसों के ऊपर डालने के लिए। दही
ले ली हमने, उसको फेंट लिया। ये जो ग्रीन चटनी बनाई थी इसमें शामिल कर दें अच्छे तरीके से, साथ में थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दें, अच्छे से मिक्स कर दें इसको, ठीक हो गया। ये हमारे पास दही वाला रायता तैयार हो जाएगा, ये हमारे पास खट्टी मीठी चटनी तैयार होगी जो चाट के ऊपर डलेगी। अब जब तक चने भी बॉयल हो जाएं, आलू भी बॉयल हो जाएं, फिर आपको मिलते हैं। जब तक वो बॉयल हो गए मैं आपको समोसे की मल्ली लगाने का तरीका बताऊंगा, जो समोसे की डो तैयार किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हमारी गैस चली गई, गल समझ आ रही है, सिलेंडर वाला चूल्हा रख लिया, गल समझ आ रही है। इसके साथ का हमने एक पैन ले लिया, यहाँ चढ़ा दिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ये देखे 1/4 कप जितना शामिल कर दें, इसको गर्म होने के लिए छोड़ दें। जब तक ये ऑयल गर्म होता है हमने ये एक दरमियाने साइज का प्याज लिया हुआ है, इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे और हल्का सा पानी डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें काट के इसमें डाल दें, चने और आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, हल्का सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं दब देना, इसको ग्राइंड कर दें। ऑयल गर्म हो चुका है, ग्राइंड किया हुआ प्याज शामिल कर दें और 2 मिनट तक इसके अंदर हम इसको प्याज को हल्का सा भूनेंगे, 2 मिनट सिर्फ, मीडियम फ्लेम है हमारा। जब तक प्याज हमारा भूनता है हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसके साथ का जग ले लिया, एक बड़े साइज का टमाटर इसमें काट दिया हमने इस तरीके से टुकड़े करके, कोई मसला नहीं है। 4 जबे लहसुन के शामिल कर दें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का शामिल कर दें, 4 से 5 सब्ज मिर्चें जो कड़वी कम होती है शामिल कर दें, हल्का सा पानी डाल दें, इनका भी पेस्ट तैयार कर लें, ठीक हो गया। ये ना जी, 2 मिनट के बाद ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर सब्ज मिर्चों का शामिल कर दें, ठीक हो गया। चार तरीके मेरे भाई, और साथ ही हम इसके शामिल करेंगे मसाले जो कि इस तरीके से हैं। रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। अब इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, खुश्क धनिया 1 और 2 टीस्पून शामिल कर दें, अच्छे से इसकी भुनाई कर लें, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई होगी मीडियम फ्लेम पे। चने हमने बॉयल कर लिए थे, कितने कर लिए थे ये भी आपको बता दूं, ये देखें असल में रेसिपी बड़ी होने वाली है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा तरतीब से गाइड कर रहा हूँ। सारी पूरी मुकम्मल रेसिपी ये जो है समोसा चने चाट की एक ही रेसिपी में कम्प्लीट कर रहा हूँ मैं, टुकड़े नहीं बना रहा। थोड़े से चने उठाए इसमें से, इधर करो कैमरे, जग में डाल दें थोड़े से हल्के से बस, ताकि हम इसको पेस्ट तैयार कर लें। हमने कुछ लोग मसूर की दाल डालते हैं, कुछ आलू डालते हैं, कुछ चनों को ग्राइंड करके डाल लेते हैं, जो काम भी करें बेहतर है, लेकिन मेथड यही रहेगा, प्रोसेस इसी से गुजारेंगे तो टेस्ट भी बनेंगे। चने का पेस्ट तैयार कर दें, साथ ही चने शामिल कर दें, शामिल कर दें, हाँ जी शामिल कर दें इस तरह, बिस्मिल्लाह। देखें हाँ आ गए ना चस्के, बिल्कुल मार्केट जैसे चस्के आपको देंगे इंशाल्लाह, और शॉर्ट रेसिपियाँ देंगे इंशाल्लाह। इसको मीडियम, हमारा फ्लेम मीडियम ही है, मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें, 3 से 4 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट के बाद इनकी थिकनेस आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के चने हमारे तैयार हो गए, बहुत प्यारे कमाल के टेस्टफुल, ठीक हो गया। इनको अब हमने क्या करना है, यहाँ से उठाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे रख देना है, दूसरा पैन फौरन उठा के चूल्हे पे चढ़ा देना है, हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल देना है 1/4 कप जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, इस तरीके से हल्का सा बस इसको गर्म होने के लिए छोड़ दें। ऑयल गर्म हो चुका है, ये छोटे साइज का एक प्याज इस तरीके से कटा हुआ शामिल कर दें, हल्का सा प्याज को ब्राउन होने दें, ठीक हो गया, हल्का सा बस, ये देखें प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ। यहाँ पे हमने 4 जबे लहसुन के 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, ज़्यादा पानी डाल के उसको हमने चॉप कर लिया, शामिल कर दिया, ठीक हो गया, हाँ पेस्ट बना लिया, ज़्यादा पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला हमने। अब इसके अंदर शामिल करते हैं 1/2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, अजवाइन 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, हल्दी ज़्यादा जाएगी इसमें ध्यान में रहे, और गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, अच्छे से मिक्स कर दें।
सारे मसाले शामिल करके एक घूंट पानी का हल्का सा बासी पना, ठीक हो गया। अच्छे से भुनाई मुकम्मल कर लें ताकि मिर्चों वगैरह कच्चापन दूर हो जाए। करके अब इसके अंदर कसूरी मेथी 1 टीस्पून भर के शामिल करते हैं। सब्ज मिर्चें जो कड़वी काम में चॉप की हुई शामिल कर दें 3 अदद। इस तरीके से इसको हिला दें, फ्लेम को बंद कर दें। फ्लेम को बंद करने के बाद ये जो आलू हमारे पास थे, हमने इनको बॉयल किया था, इनको इस तरीके से इसमें तोड़ दें फ़ौरन से। पहले इस तरीके से देखें जिस तरह मैं तोड़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैश बारीक नहीं करने, कुछ कुछ मोटे रहेंगे तो अच्छा लगेगा समोसा। इस तरीके से तमाम आलू तोड़ लिए, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें शामिल कर दें। कमाल के समोसे तैयार होंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पर कर दें, ठीक हो गया। ये हमारी फिलिंग तैयार होगी। आधा किलो मैदा ले लिया, अब इसकी मल्ली जिसको आप लोग इंग्लिश में डो कहते हैं वो लगाने लगे हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, अजवाइन या ज़ीरा 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, थोड़ा सा इस तरीके से चस्के वास्ते। ये अब मेरी बात सुने, मेरे मुंह की तरफ कर कैमरे, ये मेल्ट शुदा घी, जो लोग कहते हैं घी पा दो या ऑयल पा दो, भाई क्यों कहते हो ऐसे, क्यों लोगों को गलत गाइड करते हो? ऑयल दबने से, ऑयल डालने से समोसे खस्ता नहीं बनते। रेसिपी लंबी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट लफ्जों में आपको बता रहा हूं, जब भी डालेंगे घी डालेंगे, ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है, 5 किलो मैदे की जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, इसकी डो लगा रहे हैं या मल्ली गूंद रहे हैं, तो 1 किलो घी जाएगा। इसका मकसद यह हुआ हर 1 किलो पे 200 ग्राम घी, ठीक हो गया। आधा किलो मैदा, 100 ग्राम घी मेल्ट शुदा शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। और अच्छे तरीके से अब हमने इसको रगड़ना है, इस तरीके से। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से रगड़ लें, इस तरीके से यकजान कर लें, ठीक हो गया। इस तरह हथेली की मदद से इस तरीके से। अब बना के देखें, खस्ता नहीं बनेंगे फिर बताइएगा। अच्छे तरीके से रगड़ने के बाद इस तरीके से इसको बंद करके देखें, अगर ये इस तरीके से लड्डू टाइप बन जाए तो समझे आपकी डो परफेक्ट जा रही है। बेसिक जो मेरी चीज़ है, जो जिस जहाँ से मुझे कामयाबी मिली है, वो समोसा है मेरे भाइयों। मैं कोई इतना बड़ा शेफ नहीं हूँ, आप लोगों के सामने गरीब सा शेफ हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप समझ लें, गल समझ आ रही है। मैंने समोसों से कारोबार शुरू किया था। नीम गर्म पानी 1/2 कप इस तरीके से डाल लें, या जिस तरह की डो मैं बताऊंगा अंदाजे से उतना भी डाल सकते हैं। मैं 1/2 कप डाल रहा हूँ फिलहाल, ये देखें डाल दें, इसको थोड़ा सा गूंद लें इस तरीके से, इस तरह, ठीक हो गया। नीम गर्म पानी, ठंडा डालोगे खस्ता नहीं बनेंगे, जहन में रहे। वही 1/2 कप जो मैंने लिया था उसी में से डाल रहा हूँ, और पानी मैंने नहीं लिया। जिस कंडीशन में आ गया, ये पानी हमने और शामिल नहीं किया, 1/2 कप पानी का लगा। इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट गूंद लें, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको मैंने इस तरीके से गूंद लिया, ये कंडीशन इसकी होगी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये देखें, बहुत ज्यादा नरम नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक हो गया। अगर हार्ड ज्यादा होगा तो बेहतर होगा, ज्यादा नरम होगा तो बेहतर, खस्ता समोसा नहीं बनेगा। इसको इस तरीके से साफ कपड़ा ऊपर से कवर दे दें और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें, रेस्ट देते हैं। जब तक हम इसको रेस्ट देते हैं, मैं आपको इसके सैलड की बनाने का तरीका बता दूं। सैलड बनाने के लिए बंद गोभी ले ली हमने, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो ये क्लिप आपको दिखा दिया जाए। इसको इस तरह के जो सलाद कटर है उसके उससे हम इस तरीके से कश कर लेते हैं। ये देखें बन के चस्के है, देखो इस तरीके से इसको साइड कर दें। आपको तरीका बताने लगा हूँ सिर्फ, फिर मैं बाद में फाइनल करूंगा। प्याज, ये देखें गल समझ आ रही है इस तरीके से। टमाटर और मिर्चे में हाथ से चॉप करूंगा इस तरीके से, इस तरीके से बीज रिमूव कर दूंगा, बीज नहीं जाएंगे, इस तरीके से मैं काट लूंगा। हमारा सैलड तैयार हो जाएगा समोसा चना चाट के लिए, ठीक हो गया। ये लें, 20 मिनट के बाद कवर हटा दें, एक दफ़ा इसको और मसल लें इस तरीके से। बहुत ज़बरदस्त हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। इसको यहाँ पे ले आते हैं हम निकाल के इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में यहाँ पे हम डाल लेते हैं खुशका अपना, कोई मसला नहीं है। रेसिपी बड़ी हो रही है, कैमरामैन क्लिप दिखाता रहेगा। इस तरीके से इसको काट लेते हैं इस तरीके से,
पहले इस तरीके से हम बनाएंगे, देखें इस वजन के, ठीक हो गया। ये जिस तरीके से बना ली, अब आपने क्या करना है, एक किलो जो अगर आप ये लगाएंगे तो 50 समोसे निकालिएगा उसमें से, ये बात भी ध्यान में रहे। इस तरीके से उठा के इसको इस तरीके से दबा दें और यहाँ पे इसको इस तरीके से, पहली रेसिपी में मैंने आपको गाइड किया हुआ है इस तरीके से, ठीक हो गया। ये देखें, दूसरे को इस तरीके से दबा दें, एक किलो में 50 समोसे तैयार होते हैं। फिर ये जाके 20-25 रुपए का बिकता है आलू वाला समोसा, गल समझ आ रही है। ये सब मैं इस तरीके से बना लूं फिर आपसे मिलता हूं। सारी हमने इस तरीके से टिक्कियां बना ली, पहले तैयार कर ली। इसका बनाने का मकसद ये होता है कि ये आपस में फिर फटती नहीं है, क्रैक नहीं होती। इस तरीके से इसको इस तरीके से गोल नहीं बेलना, लंबाई में बेलना है, गल समझ आ रही है। इस तरीके से मैं आपको एक बेल के दिखा देता हूँ। आप कहेंगे भाई मेरे कोई गल दस रहे हैं, स्टाल लगाएं, कारोबार करें, तरीके हम बता रहे हैं। इस तरीके से सुभान अल्लाह, चस्के दे बनेंगे, खस्ता समोसा बनेगा मेरे भाइयों, खस्ते इस तरीके से। और इसको यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा ऐसे, हल्का से यहाँ से ऐसे, ये बन गया, तैयार हो गया। यहाँ पे ले आए, गल समझ आ रही है, दिखा रहे हो कैमरा मैन, यहाँ पे ले आओ दूसरी, इस तरह, इस तरह, इस तरीके से सब मैं इस तरीके से पतरे या पट्टियां जो भी आप कहते हैं बना लूं, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूं। समोसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल और घी मिक्स करके चढ़ा दिया खस्ता बनाने के लिए। अगर यहाँ पे आप देखें तो इस तरीके से ये पट्टियां तैयार है। इसको ऐसे ऐसे करें, फ्रंट वाली को ऐसे करें, यहाँ निशान आ जाएगा, बिल्कुल बराबर से सेंटर से काट लें इस तरीके से, समझ आ रही है ऐसे। अब आपको इसकी फ्राई का तरीका बता दें, इस तरीके से उठाएं, सिंपल पानी लें, ये फिलिंग है, चमची ले लो, वो कर लो, मेरे मुंह की तरफ कर, मैं बाबा शेफ, सादा शेफ, मुझे चमची ले लो, टीप टॉप, अब क्या है भाई ये, इस तरीके से, गल समझ आ रही है। यहाँ पे पानी लगा लें इस तरीके से, ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ये ऐसे, ये है चस्के बन बाबा दस रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे, फिर इस तरह, फिर ऐसे, इस तरीके से कारोबार तो करें, इसको लगाएं तो सही बाहर जाके, फिर आप बताएं टेस्ट कैसा बना, कैसे आपकी चाट तैयार होगी। इस तरीके से, फिर इस तरीके से ये देखें, एक स्लो भर के जी, मैं स्लो भर के भी दिखा देता हूँ। ये ऐसे लें, इसको यहाँ पे पानी लगाएं, सारे पे लगाएंगे तो ठीक फिलिंग नहीं होगी। यहाँ पे हाथ रखें, इसको ऐसे करें दो उंगलियों से, इसकी यहाँ पे कोन टाइप नुक्कड़ जिसके कहते हैं वो बना दें, कोन इसको यहाँ पे लें, फिलिंग जब मैं भरता हूँ तो इस उंगली से इसको दबा लेता हूँ ताकि नीचे तक ना जाइए, यहाँ रखें सेंटर में रहे फिलिंग, पानी लगाएं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएँ ऐसे, इस तरीके से। हमें स्पीड से भर के दिखा दूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, गल समझ आ रही है। ये सब मैं इस तरीके से भर लूँगा भाई मेरे, फिर मैं आपसे मिल लूँगा। तमाम समोसे हमने फिल कर लिए, बहुत ज़्यादा हाई अगर फ्लेम को रखेंगे तो समोसे ठीक नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। 4 से 4.5 मिनट या 5 मिनट, हद इतने टाइम में ये समोसा फ्राई होना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और समोसे को उल्टा डालेंगे, सीधा नहीं डालेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से उल्टा डाल दें, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चस्के होन बनेंगे। 6 समोसे हमारी कढ़ाई में मेरा ख्याल आएंगे, 7 पा देंगे, दाब देंगे एक और, बस इनको फ्राई होने दें, फौरन चमचा नहीं दाब देना बीच। 1 मिनट के बाद इस तरह का कोना झरना कोई भी चीज़ ले लें, सेंटर में इस तरीके से रख के इस तरीके से हिलाएं ताकि आयल ऊपर आए, ठीक हो गया। इस तरीके से कुक होने दें। 1 मिनट के बाद मैंने इनको छेड़ना शुरू किया। घी ऊपर डालने से क्या होगा, बबल्स बनेंगे ऊपर, खस्तापन आएगा, इस तरीके से एहतियात से, ठीक हो गया। और जो खवातीन सुन रही हैं, कभी हाथ पैर साड़ के बैठ जो भी बाबे ने अज दसिया से, ये ले जी, इस टाइम पे आके 2-2.5 मिनट के बाद इनके साइड चेंज करते हैं। ज़्यादा डार्क की तरफ लेके जाएंगे तो लोकल समोसा बन जाएगा, अगर आप वीआईपी समोसा, स्टैंडर्ड का समोसा चाहते हैं तो ये कलर होगा, गल समझ आ रही है।
अगर लोकल बनाना चाहते हैं वो फिर वो जो डो बनाते हैं वो डो भी ठीक नहीं बनाते, इसलिए वो जो है ना उसके अंदर घी का इस्तेमाल कम करते हैं, उनका घी फ्राई में ज़्यादा लग जाता है। जब आप डो के अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे तो फ्राई में आपका घी कम लगेगा, समोसा घी कम पिएगा। इस तरीके से ढाई मिनट इस कलर में, ढाई मिनट में इस साइड से फ्राई कर लूँ, उसके बाद आपको मिल लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे समोसे खस्ता खस्ता तैयार हो गए, ये देखें हैं गिफ्ट बन गए, गिफ्ट या देखो ये कलर होना चाहिए मेरे भाइयों। यहाँ पे ले आए इस तरीके से, बिस्मिल्लाह दूसरे भी डाल दें और इसी तरीके से साफ फ्राई कर दें। तमाम समोसे अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो गए, फ्लेम को बंद कर दें, इनको यहाँ पे निकालने लगे हैं चस्के वास्ते। वेखो है जी लुक वेखो तुसी मेरे भाइयों, मेरे मुंह की तरफ करो कैमरे। जब मैं रेडी लगाता था, जो लोग मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं वो समझते हैं मैं समोसों की रेडी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। मैं समोसों की रेडी लगाता था, इस तरीके से चाट बना करके देता था लोगों को और बहुत फेमस थे और दूर दूर से लोग खाने के लिए आते थे। इस तरीके से आपने समोसे दो उठाने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खस्ता ऐ मुँह इच्छे कोल जान गए, ठीक हो गया। चने जो हमने तैयार किए हैं इसके ऊपर इस तरीके से डालने हैं, ये ठीक हो गया। अब हल्की सी ये वाली चटनी जो हमने तैयार की है ये डालनी है, ये सुभान अल्लाह रायता दही वाली चटनी इस तरीके से, ये साथ में सैलड ये इस तरीके से, कमाल कमाल। इसको यहाँ पे इस तरीके से, ये ले जी एक प्लेट और उठा लें, इस तरीके से दो समोसे रखें, इस तरीके से थोड़ा सा इस तरह प्रेस करें हल्का सा, चने डालें जितने कस्टमर कहता है, इस तरीके से ये चटनी डालें हल्की सी, या सुभान अल्लाह है जी। ये रायता दही वाली चटनी इस तरीके से थोड़ी सी डालें, साथ में सैलड हल्का सा इस तरीके से, और ये इस तरीके से कस्टमर को दे दें, टमाटर भी दे दें साथ में, ये इस तरीके से मेरे भाइयों। ये ले जी समोसा चना चाट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, 60 रुपये की प्लेट का रेट है दो समोसों का मेरे इलाके के हिसाब से। आप अपने इलाके के हिसाब से रेट को सेट कर लिया करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो रमज़ान शरीफ के गिफ्ट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। अपना भी ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत सारा शुक्रिया, मेरे लिए मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।